अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय एएम या फिर पीएम में बताएंगे। पर सवाल यह है कि एएम और पीएम का मतलब आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग एएम, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग पीएम में बताते हैं। अब एएम का मतलब होता है एंटी मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत, क्या आपको पहले से बात पता थी, और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो तीन लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो तीन लाइनें लैंड, वॉटर और एयर, इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वॉटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग, ये आपको पता था या नहीं पता था चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है, और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक मोटरसाइकिल सवार रेलवे क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता, और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है, और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।